दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ई पंचायत, डिजिटल पंचायत। हमारा आज का जो विषय है वो थोड़ा हटकर है, जो दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति में अनुरक्षण हेतु एजेंसियों के चयन के बारे में बात की गई थी, आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिस पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग भी अगर चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले nirnischay.bgsys.co.in पर जाना है और यहाँ पे इस तरह से आपको एक लिंक दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के ऑनलाइन इम्प्लीमेंट हेतु रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको सारे डिटेल को भरना है और भरने के बाद इस फॉर्म को सबसे पहले आपको भरना है और भरने के बाद आपको इसे साइन करके और अपलोड करना है और साथ ही साथ यहाँ आपको दिख रहा है एक एफिडेविट का, इसको भी आपको डाउनलोड करना है और उसको भी उसके साथ में अपलोड करना है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना होगा, जिस जिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिले का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, प्रखंड का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने प्रतिष्ठान का नाम यहाँ इंटर करना है। क्या आपके पास जलापूर्ति योजना का कार्य अनुभव है? यदि है तो हाँ। कितने साल का आपके पास अनुभव है? अगर 10 साल का है तो 10, 5 साल का है तो 5, जितने सालों का अनुभव है उसको डालेंगे। आपके प्रतिष्ठान में मानव बल की कुल संख्या कितना है वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद प्रतिष्ठान का अपना पता डालेंगे, मैं ये एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, आपका जो भी पता होगा उसे पूरा डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी इंटर करना है। इसके बाद आधार नंबर डालना है। इसके बाद पैन नंबर डालना है। GST नंबर डालना है। बैंक का नाम डालना है जहां पे आपके प्रतिष्ठान के बैंक का अकाउंट ओपन हुआ है। खाता संख्या यहाँ पे डालेंगे। IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद आपके संस्थान में जितने भी मानव बल हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे वन बाय वन करके डालना है। मान लेते हैं राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसका मोबाइल नंबर भी डालेंगे।
इसके बाद कुशलता में क्या वो इन सब में से क्या है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, राजमिस्त्री है, वेल्डर है, फिटर है, मैकेनिक है, मजदूर है, क्या है, प्लम्बर है तो प्लम्बर डालेंगे, फिर उसका पूरा पता डालेंगे। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर और कैंसिल चेक का डॉक्यूमेंट वन बाय वन करके अपलोड करना है। बारी बारी सबको अपलोड करने के बाद इस पे टेक आउट करना है और सेव कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हमारा ये फॉर्म का पूरा डिटेल आ गया। अब इसे हमें क्या करना है कि प्रिंट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और इसे सेव करके रख लेना है और इसी पर सिग्नेचर करके हमें फिर से अपलोड करना है और इसके साथ ही एफिडेविट भी हमें अपलोड करना है। तो फॉर्म के नाम से मैं इसे सेव करके रख ले रहा हूँ और इसका इसके प्रिंट पर सिग्नेचर करके और तब अपलोड करेंगे दोबारा। अब आगे हम वीडियो में देखेंगे कि साइंड फॉर्म और एफिडेविट को कैसे अपलोड करते हैं और एफिडेविट को डाउनलोड कहाँ से करते हैं। तो इसी लिंक पर जाएंगे हम और यहाँ पे अपलोड फील्ड एप्लीकेशन एंड एफिडेविट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसे अपलोड करेंगे। उससे पहले एफिडेविट अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ एफिडेविट पर क्लिक कीजिए और देखिए इसका फॉर्मेट ये आ गया और इसको आपको भर करके और नोटराइज करा करके और उसका पीडीएफ बना करके अपलोड करना है। तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ है ये और मेरे पास फॉर्म भी साइंड है, तो मैं इसके आगे की प्रक्रिया को आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अपलोड फाइल्ड एप्लीकेशन एफिडेविट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जिस जिले के लिए आपने अप्लाई किया उस जिले को सिलेक्ट करेंगे, उस प्रखंड को सिलेक्ट करेंगे और जीएसटी नंबर को एंटर करेंगे और सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने आरएनएस ग्रुप ऑफ बिजनेस के लिए किया था तो आपका यहाँ पे आ गया। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है और किसी भी कारणवश आपका फॉर्म लॉस हो गया है तो आप यहाँ से दोबारा से उस फॉर्म को डाउनलोड करके साइन कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास फॉर्म फिल किया हुआ है तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपने जहाँ पे इसे रखा है तो हमने दोनों पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया है और इसे यहाँ पे अपलोड हमें बारी बारी से कर देना है। सबसे पहले हम फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ को सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर दिए। देखिए जैसा कि हमने एक अपने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड कर दिया जैसे ही तो उसका ऑप्शन यहाँ से हट गया। अब इसके बाद हमें एफिडेविट अपलोड करना है तो एफिडेविट को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये भी ऑप्शन हट जाएगा और हमारा ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो ये हमारा प्रोसेस था मुख्यमंत्री निश्चय योजना में, पेयजल निश्चय योजना है जिसके लिए एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करना था, उसके बारे में हमने बात किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।